हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन लोग ना एक बैटरी से 1 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक बनाने वाले हैं। यानी कि बहुत सारी बैटरी, हम लोग छोटी छोटी बैटरी बहुत सारी बनाने वाले हैं। उनमें आपको 1 वोल्ट भी देखने को मिलेगा, 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, ऐसे करके आपको 1 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक आपको मिलेंगे, जो कि छोटी छोटी बैटरी आपको, वो भी होम मेड हम लोग घर पे बनाएंगे। वो कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, कैसे हम लोग 1 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक बैटरी बनाने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर पूरा आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग बैटरी को बना सकते हैं 1 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक। हमें 1 वोल्ट से 9 वोल्ट बनाने के लिए हमें इस बैटरी का इस्तेमाल करना होगा, जो कि आप ये देख सकते हो HALW, ये हाई पावर का होती है बैटरी, जो कि विदाउट रिचार्जेबल होती है। इसको चार्ज हम लोग नहीं कर सकते हैं। एंड आप ये देख सकते हो कि 9 वोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बैटरी 9 वोल्ट की होती है। तो इसी से हम लोग इस वीडियो के अंदर 1 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तक बैटरी बनाने वाले हैं। वो कैसे, तो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन लोग को इस बैटरी को कबार लेना होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे पकड़ की मदद से इसको कबार लेते हैं। और कुछ इस तरह से हम लोग को इसको कबार लेना होगा, जो कि आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो अपन लोग का ये मेन बैटरी है, अपन लोग को पूरा तरह से इसी का हम लोग को काम है। ठीक है, हम लोग का इससे कोई मतलब नहीं है। अपन लोग को ये बैटरी का क्या करना है कि हमें ये पहले से आप कबारेंगे तो ये आसानी से कबर जाता है। तो इसको अपन लोग निकाल लेंगे दोनों साइड। आप ये देख सकते हो कि यही हम लोग का मेन काम करता है, जो कि हम लोग का ये टर्मिनल है, हमें यही मेन काम करता है। तो इसे हम लोग तोड़ेंगे नहीं, कि बाद में काम भी आ सकता है, इसे भी इस्तेमाल में ले सकते हो। और इसको भी रखते हैं साइड में। और हम लोग का जो वोल्टेज है 1 वोल्टेज से लेकर 9 वोल्टेज तक हमें यही देने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग को एक कवर मिलता है, टेप मिलता है, तो उसे आप लोग कबार लेते हैं। जब आप लोग इसके ऊपर से टेप कबार देंगे तो हमारा ये जो बैटरी है ये अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि हम लोग का जो टोटल बैटरी है ये आसानी से अलग अलग हो जा रहा है। 1 बैटरी, 2 बैटरी, और ये 3 बैटरी, और ये 4 बैटरी, 5 और 6 पीस। यहाँ पे 6 पीस से हमें 9 वोल्टेज मिलता है, जो कि आप ये देख सकते हो हमारे पास ये टोटल 1 बैटरी में 6 पीसेस था, 6 पीस में हम लोग को 9 वोल्ट मिल रहा था। अभी मैं आपको मेन बताता हूँ कि कैसे हम लोग को 1 वोल्टेज से लेकर 9 वोल्टेज तक मिलेगा, अलग अलग वोल्टेज कैसे पा सकते हैं। जो कि उसके लिए हम लोग को चेक करने के लिए हमें चाहिए मल्टीमीटर। तो यहाँ पे मल्टीमीटर मैं ले चुका हूँ और इसको हम लोग ऑन करते हैं। तो हम लोग का ये मल्टीमीटर ऑन हो चुका है। मैं आपको आपकी तरफ रखता हूँ मल्टीमीटर को, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, और हम लोग का ये बैटरी है। तो अभी 1 बैटरी को आप लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। ठीक है, तो आपको ये मल्टीमीटर में नापेंगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर में भी पता चल जाता है कौन सा प्लस कौन सा माइनस है। तो हमें ये पता है कौन सा प्लस पड़ेगा कौन सा माइनस पड़ेगा। तो फाइनली आप देख लो कि कैसे हम लोग का काम कर रहा है, कितना हम लोग को 1 बैटरी वोल्टेज दे रही है। ठीक है, तो आपको जो होगा वो आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक यहाँ पे टुकड़ा बैटरी का हमें 1.45 दे रहा है, मतलब कुछ वोल्टेज दे रहा है, 1 वोल्टेज कुछ वोल्ट मतलब पॉइंट दे रहा है हम लोग को एक यहाँ पे टर्मिनल। ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड में। अभी दूसरे वाले को भी आप चेक कर लो, तो वो इसी तरह से हम लोग को वोल्टेज देता है, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख लो इसमें भी सेम वो इतना ही आ रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ। अभी तो हम लोग को 1 वोल्टेज 1 बैटरी से मिल गया, जो हम लोग का ये 1 बैटरी है, इससे हम लोग को 1 वोल्टेज या 1.5 वोल्टेज तो मिल गया। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसे आप लोग सीरीज में करते हैं तो हमें कितना वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, सीरीज में करने के लिए आपको पता होगा कि 1 बैटरी का प्लस लेना है 1 बैटरी का माइनस लेना है। तो कुछ इस तरह से इसको रख देंगे और हम लोग का फिर से ये 2 बैटरी ऐड हो गया, मतलब 2 बैटरी ज्वाइंट हो गया। अभी इसका वोल्टेज हम लोग देखते हैं कि ये कितना वोल्टेज हम लोग को दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि हम लोग जब 2 बैटरी को ऐड किया तो हमें यहाँ पे 3 वोल्टेज मिल रहा है। आप देख लो, यानी कि 1 बैटरी हमें 1.5 वोल्ट दे रहा था और 2 बैटरी को हम लोग सीरीज में किए तो हम लोग को 3 वोल्ट मिल रहा है। और ऐसे ही करके हम लोग जब 3 बैटरी को सीरीज में करेंगे तो यहाँ पे तीसरी वाली को भी हम लोग लगा लेते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि हम लोग को कितना वोल्टेज बढ़ गया है। तो यहाँ पे इसको हम लोग फिर से चेक करते हैं। तो आप इसमें मल्टीमीटर में देख सकते हो कि हमें 3 बैटरी को ऐड करने पे हमें 4.5 वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 टुकड़ा हम लोग बैटरी का लगाएं तो हमें 4.5 वोल्टेज मिल रहा है। ऐसे ही करके फिर से 4th टुकड़े को भी हम लोग सीरीज में लगाते हैं इसके नीचे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है, जो कि 4 टुकड़े पर। ठीक है, तो इसको भी पकड़ लेते हैं और यहाँ से इसको भी चेक कर लेते हैं।
तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इसमें 4 बैटरी लगाए हुए हैं, तो हम लोग को यहाँ पे 6 वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि हम लोग 4 टुकड़े को लगाए तो हम लोग को 6 वोल्टेज मिल रहा है। आपको पता होगा कि एक बैटरी हम लोग का 1.5 वोल्ट का था, दूसरा बैटरी में लगाए हम लोग जोड़ के 3 से तो हम लोग को 3 वोल्ट मिल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे 4 बैटरी से 6 वोल्टेज हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग का 2 टुकड़ा बाट किया बैटरी का, तो उसे भी अपन लोग इसके अंदर ऐड कर ही देते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 5 बैटरी यानी कि 5 बैटरी के टुकड़े को ऐड कर चुके हैं, तो इसको भी फटाफट से चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो 5 बैटरी के टुकड़े को जोड़ने पे हम लोग को 7.80 वोल्टेज हम लोग को मिल रहा है, जैसा कि आप ये देख सकते हो। अब हम लोग का बचा है सिर्फ एक टुकड़ा, तो उसे भी जोड़ के हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को इसमें कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हम लोग का ऊपर का था तो ऊपर लग कर दिए इसको, और हम लोग का टोटल बैटरी का पूरा टर्मिनेट यहाँ पे लग चुका है। और अभी इसका वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पे इसका वोल्टेज आप देख सकते हो कि 9.45 दे रहा है, यानी कि हम लोग का ये टोटल वोल्टेज अभी भी दे रहा है, अभी भी हम लोग का ये बैटरी पूरा तरह से सही है, कोई भी खराब नहीं हुआ है। तो आप जहाँ पे भी चाहेंगे आपको कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 1.5 वोल्टेज की या 2.5 वोल्टेज की, ऐसे करके आप एक एक टुकड़े को भी इस्तेमाल में ले सकते हो, यह बैटरी वर्क करती है। मान लीजिए कि आप लोग को इस बैटरी को फिर से ठीक करना है तो कोई बात नहीं, आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हो। सिंपल सा आपका जो ये है इसको लगा दीजिएगा, और आपको ये टर्मिनेट जो है इसको भी सेट कर दीजिएगा, और पीछे का जो अपना हिस्सा है इसको भी लगा देंगे, और इसके ऊपर से हम लोग आसानी से टेप कर देंगे तो ये बैटरी हम लोग का फिर से वर्किंग कंडीशन में हो जाएगी, चालू कंडीशन में हो जाएगी। सिर्फ आपको ये टेप कर देना होगा तो आपका ये बैटरी फिर से अच्छे से बन जाएगी। इस बैटरी में कुछ भी नहीं होता है, आप आसानी से जितना मन चाहे उतना वोल्टेज ले सकते हो। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पे खत्म होती है, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो थैंक यू गाइस वीडियो फॉर वॉच टाइम।